This story is brought to you by tapeatale.com. हर कहानी का ना एक जॉनर होता है, सैड स्टोरी, हैप्पी स्टोरी, लाइफ स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, और मेरी फेवरेट लव स्टोरी। अब ट्रेजिक बात यह है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरी आज की कहानी लव स्टोरी है या नहीं। मतलब मैंने ना बॉलीवुड से काफी कुछ सीखा है। सबसे पहले कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। उसके बाद सीखा ये पूछना कि क्यों भाई एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त क्यों नहीं हो सकते। पर मैंने ये कभी नहीं सीखा कि क्या एक लड़की और एक और लड़की दोस्त से ज्यादा हो सकते हैं। अगर मैंने ये सीखा होता ना तो मुझे आज पक्का पक्का पता होता कि मेरी कहानी लव स्टोरी है या नहीं। अब तक तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि मेरी कहानी एक लड़की के बारे में है, लेकिन कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्रेया, श्रेया अरोड़ा। अब ये प्लेटोनिक से रोमांटिक के सफर के बीच में ना सेक्सुअलिटी नाम का बैरिकेड है जो मैंने पहले कभी नोटिस ही नहीं करा। क्या है ना कि 21 साल की जिंदगी में इसे समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हाँ, मेरी बॉलीवुड से काफी शिकायतें हैं, लेकिन जब मुझे हल्का सा भी प्यार होता है ना, मैं एक बार DDL से तो देख ही लेती हूँ। मुझे समझ आ जाता है कि मुझे अपना राज मिला या नहीं। पर अब कैसे समझूं कि श्रेया मेरी सिमरन बन सकती है या नहीं, मुझे उससे प्यार हो भी सकता है या नहीं। चलो ये सब छोड़ो, मुझ पे आते हैं। थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस तो मैं हूँ। तो हाँ, बचपन से ही अपने आप को मैं बुलाती हूँ टिंडर पर्सनालिटी विद शादी डॉट कॉम हार्ट। मुझे अपना पहला प्यार 9th क्लास में ही हो गया था, और पता है 3 साल तक पूरे हाई स्कूल के पावर कपल थे हम, लेकिन फिर वो पावर कट हो गया। मुझे अपनी पहली दूसरी मोहब्बत भी हो चुकी है, लेकिन वो फ्यूज ना मैंने 2 महीने में ही उड़ा दिया था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि मुझे रिलेशनशिप से क्या चाहिए और क्या नहीं। तो हाँ, अब 2 साल से सिंगल हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं लोगों से बात नहीं करी, मुझे लड़के क्यूट लगते थे, मैं डेट पे भी जाती थी, कभी कभी पूरी रात फेस टाइम पे ना उनकी गिटार की धुन भी सुनी लेती थी, लेकिन ये दिल कभी किसी पे आया ही नहीं। शायद डर गई थी। इस शादी डॉट कॉम हार्ट को मैंने पिंजरे में लॉक करके चाबी कहीं बहुत दूर फेंकती थी। और फिर आई श्रेया। वैसे तो श्रेया मेरी जिंदगी में ना 5 साल से मुसीबत बनी बैठी है, उसने सब देखा है, मेरे बॉयफ्रेंड्स, ब्रेकअप्स, ब्रेकडाउन्स, थ्रो अप, ग्लो अप, हुकअप, मेसअप, सब कुछ। तो जब मुझे 3rd ईयर में बाई क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने का मन हुआ, मैंने सबसे पहले इन्हीं मैडम को बताया। कहती हैं, बाबा आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मेरे साथ कर लो। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि एक्सपेरिमेंट तो उन चीजों के साथ होना है जिनको खोने का डर ना हो, जिस इंसान के बिना मैं कर ही नहीं सकती अपनी जिंदगी की कल्पना, उस इंसान के साथ हुकअप वाला एक्सपेरिमेंट कैसे कर ले अल्पना। पर मैडम तो है बेस्ट फ्रेंड, तो उन्हें ये बात भी मुझसे निकलवा ही ली। कहती हैं, सुन ज्यादा सोच मत, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कभी आगे जाके कुछ ऑर्गेनिकली हुआ तो देखी जाएगी, तू और मैं संभाल लेंगे, लेकिन ओवरथिंक मत करियो। तो मैंने बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करा, मतलब मैंने थोड़ा सा सोचा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और फाइनली 6th दिन की रात 2 बजे मैंने श्रेया को कॉल किया और पूछा, सुन डेट पे चलेगी? और उसने कहा, क्यों नहीं चलूंगी। और मेरे बंद पिंजरे में ये शादी डॉट कॉम दिल ना अपने पंख खोल के अंगड़ाई सा लेने लगा, और मुझे उस रात बिल्कुल नींद नहीं आई। तो श्रेया ने मुझे गाना भेजा और कहा, इसे सुन और सो जा। मुझे तब ये नहीं पता था कि आने वाली हर रात वो मुझे गाना भेजेगी, और उस गानों के बिना मुझे नींद आएगी ही नहीं। अगले दिन मैं तैयार हुई एक पिंक ड्रेस पहनकर, लेकिन मेरे गाल ना मेरी ड्रेस से ज्यादा गुलाबी थे, और मैं पहुंची उसी गाड़ी में बैठी और मैंने उसे देखा, वो भी पहनकर आई थी, ब्लैक ड्रेस, ग्रे श्रग, हील्स, झुमके, और अपने 2 प्यारे से डिम्पल। मैंने श्रेया को बहुत बार देखा है, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहली बार देख रही हूँ। मेरे दिमाग में बजने लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और बात थोड़ी अजीब है, क्योंकि जब भी मैं गाना सुनती थी ना, मैं सिर्फ अपने आप को इमेजिन करती थी। थोड़ी सेल्फ ऑब्सेस तो मैं हूँ ही, लेकिन आज मुझे श्रेया खिलते गुलाब सी, शायर के ख्वाब सी, उजली किरण सी, वन में हिरन सी लगने लगी, और मैं उसे देख ही जा रही थी कि उसने मुझे कहा, सुन ज़्यादा सोच मत। हम डिगिन पहुँचे हमेशा की तरह, हम लंच किया हमेशा की तरह, बहुत सारी बातें करी हमेशा की तरह, नाना करते हुए एक सुट्टा भी काउंटर कर ही लिया हमेशा की तरह। लेकिन इस बार जब मेरे हाथों से सिगरेट उसके हाथों में जा रही थी और हमारी उंगलियां उलझी, तो मुझे कुछ महसूस हुआ जो हमेशा नहीं होता था, जो शायद नया था, जो शायद अलग था, जो शायद गलत था, जो शायद मेरे मन का वहम था, या फिर शायद शायद मेरे दिल ये पिंजरे में बंद उड़ने को तैयार बैठा था। वो दिन पलक झपकते ही खत्म हो गया हमेशा की तरह,
और फिर बाय बोलते समय मैंने अपने बैग से हर्शीज किसेस चॉकलेट्स का पैकेट निकाला, उसे दिया और कहा, ये लो तुम्हारी फेवरेट किसेस। मैं मुस्कुराई, पास आई, अपने होठों को मेरे गालों से लगाकर बोली, ये लो तुम्हारी फेवरेट किसेस। और मैं मानो गुलाबी से बिल्कुल लाल हो गई आसमान के जैसे। घर पहुंची तो मम्मा ने पूछा, कैसी रही फ्रेंडशिप डेट? मैंने ईशा को बताया, वो कहती, अच्छा तो ये फ्रेंडशिप डेट थी। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मतलब दिन काफी खूबसूरत था, मेरा दिल पूरा भरा हुआ था। जब मैं लड़कों के साथ जाती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लमैटिक लगता है। दस नहीं तो 3 रेड फ्लैग तो दिख ही जाते, इतने इनकंसिडरेट इनसेंसिटिव होते हैं। तेरे पास ही तो आगे रोती हूँ, लेकिन आज सब इतना परफेक्ट था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बट शायद इसलिए क्योंकि हम प्लेटोनिक दोस्त हैं यार, तो कॉम्प्लिकेट तो हो ही सकता। लेकिन तू मुझे जानती है, पहचानती है, समझती, तुझे पता है कि लंच के बाद मैं 2 स्कूप आइसक्रीम खाऊंगी जिसमें से 1 चॉकलेट होगी जिसमें से तू वाइट नहीं ले सकती। और मुझे पता है डबल स्विच भी ना एक ही स्विच करनी है, वरना तू पूरा सुट्टा फेंक देगी। शायद हम दोस्त ऐसे छोड़ देते हैं, वरना सब खराब हो जाएगा। लेकिन शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि जाने दो या जानना कि जय और अदिति की तरह हमारे बीच कुछ है जो सबको दिखता है, सिर्फ हमें नहीं दिखता, और हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। शायद हमें इसका जाना चाहिए यार। लेकिन तू ये भी जानती है कि मैं ना धूम के अली जैसी हूँ, मैं 1 मिनट में शादी बच्चे सब सोच लेती हूँ। लेकिन 2 लड़कियों के बीच शादी बच्चे तो हो नहीं सकते ना, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ? कहती एक गाना भेजा है, सुन और सो जा। उसने गाना भेजा, मैंने वो सुना, और पता है वो गाना क्या था? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और मेरे दिल ने फिर से ट्रेन शुरू कर दी कि शायद ये साइन है, शायद मेरी स्टोरी का जॉनर ना फाइनलाइज होने ही वाला है। और तभी मेरे को मैसेज आया, सुन ज्यादा सोच मत। थैंक यू।